अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं आलू टमाटर प्याज की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है और बनाना इतना आसान है कि जब आप इसे एक बार देखेंगे तुरंत बनाएंगे। आप इसे रोटी के साथ सर्व करें या फिर चावल के साथ, दोनों के साथ ही काफ़ी डिलीशियस लगता है। चलिए बिना देर किए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है आलू, दो प्याज लेंगे, दो टमाटर लेंगे, हरी मिर्च और आलू के हमने छिलके निकाल लिए हैं। अगर आप चाहें तो छिलके के साथ भी आलू को बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम ले लेते हैं प्रेशर कुकर, इसमें हम 2 कप पानी डाल देते हैं और आलू को हम कुकर में ऐड करेंगे। इसी में हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और आलू को हम बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम लिड लगा देंगे। जब तक आलू बॉईल हो रहा है यहाँ पर हम सब्जियाँ चॉप कर लेते हैं। वैसे गर्मियों के मौसम में जो है हर कोई जो है ये सोचता है कि आज हम सब्जी में क्या बनाएं। आप इस तरह से आलू प्याज की सब्जी एक बार बनाकर देखें, बेहद सबको पसंद आएगा। तो यहाँ पर हम प्याज को इस तरह से बारीक चॉप कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो रफली चॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ले ली थी, उसे भी हम इस तरह से बारीक चॉप कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो ग्रेटर में ग्रेट करके भी यूज कर सकते हैं। तो सभी सब्जियों को हम यहाँ पर चॉप कर लेते हैं। वैसे अगर आप इसमें अदरक डालना चाहते हो तो भी डाल सकते हैं, हमने सिर्फ लहसुन यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर सारी सब्जियाँ चॉप हो चुकी हैं, धनिया पत्ती हम बाद में चॉप करेंगे। चलिए अब हम आलू चेक कर लेते हैं। 2 प्रेशर आने के बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और स्पैटुला से इस तरह से हल्के हाथों से हम इसे प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो है आलू के हम पीस नहीं काटेंगे और ना ही आलू को हमें अच्छी तरह से इसमें मैश करना है। इस तरह से आलू के जो टुकड़े टुकड़े होते हैं तो फिर अच्छा लगता है खाने में और इसमें गाढ़ापन भी आता है जब हम इस तरह से तोड़कर सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना तो हमें प्याज को भूनने की ज़रूरत पड़ेगी ना ही लंबा टाइम लगेगा हमें इसे कुक करने में, मिनटों में ये सब्जी बन जाती है। इसी में हम चौपके हुए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं और एक बार अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको वेज सब्जी पसंद है तो हमारे चैनल पर जो है वेज की बहुत ही सारी रेसिपीज है, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर ले, हम लिंक दे देंगे। चलिए अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। अब जो है हम गैस ऑन करेंगे और यहाँ पर जो है एक बढ़िया सा हम तड़का लगा लेते हैं, जिससे जो है ये हमारी आलू प्याज टमाटर की सब्जी बनने वाली ना बहुत ही बेहतरीन बनेगी। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ले लिया है, गैस ऑन करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और कढ़ाई में हम 2 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो ऑयल की क्वांटिटी और भी ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऑयल रख सकते हैं। ऑयल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देते हैं कढ़ी पत्ता, जिससे जो है सब्जी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर लेते हैं 5 फ़ोरन। तो 5 फ़ोरन में हमने सरसों ले लिया है, मेथी दाना है, जीरा है, कलौजी है और बरियाली है, ये सारी चीज़ें मिक्स करके हमने डब्बे में रख लिया है। तो ये 5 फ़ोरन हम इसमें डाल देते हैं, इसका तड़का लगाएंगे। उसके बाद जो है हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। अगर आपको अदरक का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो अदरक भी बिल्कुल थोड़ा सा डालें। इस स्टेप पे हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है, इसी में हम चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। अब यहाँ पर जो है लहसुन को भी हम 2 मिनट भून लेते हैं ऑयल में। उसके बाद जो है हम इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पर हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, हमने 1 टीस्पून ऐड किया है। लो फ्लेम पर हम कुछ सेकेंड तक इसे भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें बॉयल किए हुए आलू डाल देते हैं। अब जो है गैस की फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और तकरीबन 5 से 8 मिनट हम इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें होममेड गरम मसाला बिल्कुल थोड़ा सा डाल दें। तो हम इसे कवर कर देते हैं 6 से 7 मिनट के लिए और एक उबाल आने देते हैं और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे।
क्योंकि बॉयल करते समय आलू में भी हमने नमक ऐड किया था, तो इस बात का जो है ख़ास ध्यान रखते हुए आप नमक ऐड करें। तो हमने यहाँ पर लेट लगा दिया है, तो 6 से 7 मिनट के बाद यहाँ पर हम लेट हटाएंगे और माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका कलर, सब्जी जो है परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो इस स्टेप पे अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। बारीक चॉप के बाद धनिया की पत्ती डाल देंगे। तो देखा आपने कितना सिंपल है ये आलू प्याज टमाटर की सब्जी बनाना। और अगर आप सफ़र करते हो तो आपने स्टेशन पे भी खाया होगा ये सब्जी, पूड़ी के साथ भैया लोग देते हैं और बेहद सबको पसंद आता है, तो आप लोग इसे घर पर भी बना सकते हैं। ये बहुत ही कम मसालों में बनने वाली आलू प्याज की सब्जी जो है बेहद सबको पसंद आने वाली है। आप लोग प्लीज एक बार ज़रूर ट्राई करें। जब कभी भी आप इसे ट्राई करें हमें फीडबैक देना ना भूलें, और हाँ फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और जैसे जैसे ये ठंडा होता ना ये और भी ज़्यादा ठीक होता है, क्योंकि हमने इसमें बॉयल किया हुआ आलू ऐड किया है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ये गाढ़ा हो चुका है। आप इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं या फिर चावल के साथ, जिसके साथ भी आपको खाना हो आप खाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।